अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से, और फ्रेंड्स आप सबकी दुआओं की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आ गए हैं अपने चैनल पर। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा, तो आज का ब्लॉग है मैनीक्योर पेडीक्योर का। तो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा ये ब्लॉग। तो देख सकते हैं लाइट चले गई है। 1:15 का टाइम हो रहा है और लाइट जा चुकी है। तो देख सकते हैं अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मैनीक्योर, फिर पेडीक्योर। तो सबसे पहले हम खा लेते हैं खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है। खाना खाने के बाद हम मैनीक्योर पेडीक्योर स्टार्ट कर देंगे। तो जी फ्रेंड्स, जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले न्यू ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं बना रही हूँ ब्लीच। तो सबसे पहले हम ब्लीच पाउडर ऐड करेंगे इसमें, फिर इसको हम मिक्स करेंगे। देख सकते हैं, सबसे पहले मैं हाथों पर ब्लीच लगाऊंगी, फिर पाँव पर, अब मैं पाँव पर ब्लीच लगाऊंगी, तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट फ्रेंड लग चुकी है पाँव पर ब्लीच। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पानी लिया है नीम गरम, उसके अंदर मैंने शैम्पू ऐड किया है। देख सकते हैं हाथों की जो ग्रीज मैंने लगाई थी, उसको मैंने सर्कुलर मोशन में स्क्रब की तरह किया है। अब ये थोड़ी ड्राई हो जाए, इसके साथ भी हम ये करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब ड्राई हो गई थी तो मैं रिमूव कर रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले हम पेडीक्योर स्टार्ट करते हैं करना, फिर उसके बाद मैनीक्योर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्लिंजर, फिर उसके बाद मैं करूँगी स्क्रब, फिर मसाज, फिर मास्क। तो देख सकते हैं 4 स्टेप हैं इसके। तो मेरी फ्रेंड के पाँव पर इतनी नीड नहीं है स्क्रबर की, तो मैं सिर्फ क्लिंजर करूँगी, क्योंकि स्क्रबर करते हैं हम क्लिंजर से पहले। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं क्लिंजर कर रही हूँ, क्लिंजर हमने कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्क्रब। तो यहाँ पर मैं स्क्रब ले रही हूँ और इसको 3 फिंगर से करने हैं। देख सकते हैं 1 2 3 3 फिंगर से हमने सर्कुलर मोशन में इसको राउंड राउंड करना है। यहाँ पर हमने कोई प्रेशर पॉइंट नहीं देना और बिल्कुल हल्के हाथ से, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं स्क्रब। तो देख सकते हैं जहाँ से डार्कनेस है, जैसे ये वाला एरिया हो गया और ये जस्ट ये वाला एरिया हो गया, है ना। जैसे हम पानी ले लेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कर लिया है स्क्रब। उसके बाद हम मसाज के स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ मैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम 3 दफ़ा रिपीट करेंगे इस स्टेप को, ये 1 2 ये 3, सही है। इसको हम पीछे से लेकर आएंगे, पीछे वाले एरिया से लेकर आके यहाँ पर हम प्रेशर देंगे, ये जी सी वाला प्रेशर, जहाँ एड़ी है इस जगह के ऊपर हम प्रेशर देंगे। फिर उसके बाद ये जो मैं मसाज के स्टेप बता रही हूँ, ये 3 दफ़ा हमने रिपीट करना है। तो इस वाले एरिया से लेकर आगे की तरफ हम प्रेशर देंगे ऐसे, और ये 3 दफ़ा रिपीट करना है। ये नीचे से भी इसको हम प्रेशर देंगे, तो देख सकते हैं ये वाला प्रेशर पॉइंट। इसको हम ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे, ये वाला ये भी एक प्रेशर पॉइंट ही होता है, सही है। इसको हम नीचे से बिल्कुल लेंगे राउंड राउंड, देख सकते हैं ये भी प्रेशर पॉइंट होता है। सही है, फिर इसको यूं हमने घेर के घुमाना, यूं लेकर हम आएंगे,
इसको ऊपर करना है, प्रेशर देना है, यूँ लेके जाना है हमें यहाँ पर, प्रेशर देना है, फिर नीचे से हम इसको निकालेंगे। यही हमने स्टेप 3 दफ़ा करने हैं, देख सकते हैं जैसे ये एक किवाला हो गया प्रेशर पॉइंट से, ये यहाँ पर लेकर आएंगे, फिर हम इस वाले एरिया से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पेडीक्योर के स्टेप आप लोगों को मैंने बताए और टूल्स मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि इनको नीड नहीं थी इतनी, वरना मैं आप लोगों को करके दिखाती। तो अब मैं लगाऊंगी मार्क्स, पेडीक्योर हो गया है कंप्लीट, देख सकते हैं आप लोग मार्क्स भी मैंने लगा दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मैनीक्योर। तो यहाँ पर मैंने क्लिनजिंग कर ली है और ये स्क्रब के हैं स्टेप, देख सकते हैं आप लोग। तो ऑफ कैमरा यहाँ पर मैंने दूसरे हाथ पे भी स्क्रब कर लिया था। तो अब मैं मसाज के स्टेप आप लोगों को बता देती हूँ। तो देख सकते हैं मसाज के स्टेप, देख सकते हैं ऊपर से हमने इसको प्रेशर देना है और नीचे लेकर आके नीचे भी हमें फिंगर्स पर प्रेशर देना है। ये स्टेप हम 3 दफा रिपीट करेंगे। आप मेरे हैंड्स के ऊपर फोकस करें और देखें कि प्रेशर मैं कैसे दे रही हूँ। ये ऐसे प्रेशर देना है, तो ये भी हमारा एक प्रेशर पॉइंट है राउंड राउंड, इससे बहुत सुकून मिलता है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये भी प्रेशर पॉइंट है, इसको भी दे सकते हैं। फिर हम हथेली की तरफ आ जाएंगे, इसको भी हम सर्कुलर मोशन में प्रेशर देंगे फिंगर्स की तरफ से भी और वहाँ से भी। तो ये स्टेप फ्रेंड्स हमने करने हैं 3 से 4 दफ़ा। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर मैनीक्योर हो गया है कंप्लीट। अब हम लगाएंगे मास्क। तो फ्रेंड्स अब लगाएंगे हम मास्क। मास्क लगाने के बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी और यहाँ पर हो गया है मैनीक्योर भी कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।